एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग है थर्सडे व्लॉग, क्योंकि आज थर्सडे है और मेरे घर मेरी जो बड़ी दीदी है वो थर्सडे का व्रत 1.5 सालों से कर रही है, तो हर दिन का थर्सडे सेम होता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक व्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा थर्सडे कैसा जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि थर्सडे में पूजा जो करती है दीदी वो कैसे करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं आई हूँ केले के पेड़ के नीचे सफाई करने, थोड़ी गंदगी हो गई थी। हम लोगों ने घर में केले का पेड़ भी लगाया हुआ है जिसके पास वो पूजा करती है, और ये देखिए इसमें कितना अच्छा फ्रूट भी आया हुआ है। लेकिन ये केले का पेड़ छोटे पॉट में लगा हुआ है तो इसलिए बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता है, हम लोग सिर्फ पूजा के पर्पज़ से ही इसको लगाए थे। शाम को हम बाहर भी जाने वाले हैं कहीं, और कौन कौन जाएगा ये जानने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, और कहाँ जाऊँगी मैं ये भी देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। को स्कूल जाना रहता है, वो स्कूल में टीचर है, पढ़ाती है, तो इसलिए हम लोग को सुबह ही ये पूजा जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। तो वो पूजा करती है और हम लोग सुनते हैं। इसमें कथा का कुछ नियम है जिसको फॉलो करना पड़ता है, एक बुक रहती है उस बुक को पढ़ते हैं। आप आगे देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि पूजा कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ख़त्म होती है, और सुबह से लेकर शाम तक दीदी क्या खाती है, शाम को अपना जब व्रत खोलती है तो उस समय क्या खाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। ये चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या तैयारी कर ली है। मैंने तो जो तैयारी करनी थी वो कर दी है, यहाँ केले के पास भी सफाई कर दी है। ये हमारा छोटा सा मंदिर, मंदिर का कोई ये रूम नहीं है, हमारे हॉल में एक कॉर्नर में स्पेस है वहीं पर बनाया गया है, और क्योंकि ऐसे कोई रूम नहीं है प्रॉपर पूजा का तो यही मंदिर हम लोग बना लिए हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, यहीं पूजा होता है। यहाँ ये दुर्गा जी हैं, ये गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है जिनकी पूजा हम दिवाली में करते हैं, ये विष्णु भगवान है जिनकी पूजा आज होने वाली है। कथा की तैयारी शुरू हो गई है और अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और देखिए वो जो परेशान कर रहा है ये भी हमारे साथ लगा हुआ है इसी में, और इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं वो भी दिखाऊँगी आपको मैं, और इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें भी बताऊँगी कि जब पूजा स्टार्ट कर देते हैं, कथा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बीच में बोलते नहीं हैं और उठते भी नहीं हैं। पूरी कथा जब पूरी हो जाती है तभी आप कुछ बोल सकते हैं, और बीच में उठना भी नहीं है, और कथा पूरा होने के बाद ही आप उठ सकते हैं। इसमें गुड़, चना, पीला फूल और घी का दीपक जलाते हैं, पीला चंदन भी लगाते हैं, विष्णु भगवान का तस्वीर सामने रख लेते हैं, और मूर्ति हो तो आप मूर्ति रख सकते हैं, और फोटो हो तो फोटो भी रख सकते हैं। की बृहस्पति कथा की किताब मिलती है आपको, ये किसी मंदिर पे भी मिल सकती है और शॉप पे भी मिलती है। इसमें सारी स्टोरी लिखी रहती है, इसी को पढ़ते हैं। इसमें 3-4 तरह की स्टोरीज हैं। भारत में एक राजा राज्य करता था और प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है, पूजा करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा किया करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पतिदेव साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पतिदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। सभी इसको चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा विदेश की सारी कन्याओं का निवाह कराओ। इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से भेजा देने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया, दासी अब रानी से जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय, सभी देवताओं की जय।
है और मैं उसके लिए कुछ फ्रूट्स कट कर रही हूँ और नींबू चीनी का शरबत भी बना रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। वैसे वो कुछ ज़्यादा खाती नहीं है लेकिन फिर भी इतना थोड़ा बहुत खा लेती है और कुछ नहीं खाती है। थोड़े दिन ऐसी रहती है फिर सीधे शाम में को बनाती है अपने लिए कुछ भी वही खाती है। पहले हम फ्रूट्स को धुल लेते हैं और उसके बाद कट कर। तो यहाँ मैंने फ्रूट्स भी धुल लिए हैं और इसको कट करूँगी इसमें। और ये देखिए ये ऐसा कुछ है नहीं लेकिन सब कुछ येलो येलो ही हो गया है आज। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी इसमें नींबू का शरबत। उसके लिए नींबू चीनी और पानी ले लिया है। और वैसे तो आज नहीं खाते हैं बनाना, थर्सडे को जो व्रत रहता है वो बनाना नहीं खाता है, तो इसलिए मैं उसको ये ब्लैक ग्रेप्स और ग्रीन ग्रेप्स और ये एप्पल कट करके देने वाली हूँ। तो ये फ्रूट्स और शरबत जो मैंने बनाया था वो रेडी हो गया है। और चलिए अब उसको दे के आते हैं। वो बाहर धूप में बैठी हुई है क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड है तो इस वजह से धूप अच्छा लगता है। और हमारे साथ साथ ओरियो भी हमारे पीछे पीछे घूमता रहता है। ये लो तुम्हारा फलहार। थैंक यू। अब ओरियो का तो फेवरेट फ्रूट भाई खाने तो देंगे नहीं मुझे। ओरियो को ग्रेप्स और क्या बोलते हैं एप्पल, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। देखिए अभी यहीं रहेगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक यहीं बैठा रहेगा। मुझे खाने भी नहीं देगा अब। नहीं दिए तो है। अब जाओ मैं फास्ट हूँ। तुम ओरियो ओरियो मुझे देखो। देखिए इसकी नज़र उसकी सिर्फ और सिर्फ इस प्लेट पे है क्योंकि उसमें उसकी फेवरेट चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं विष्णु मंदिर। वैसे तो हम तीनों लोग जा रहे थे, हम मम्मी और दीदी, लेकिन अभी दीदी का कैंसिल हो गया, वो नहीं जा रही क्योंकि उसका बच्चा आता है अभी शाम में पढ़ने के लिए ट्यूशन, तो इसलिए वो नहीं जा रही। अभी हम मम्मी जा रहे हैं और रास्ते में और भी बहुत सारे काम हैं वो करते हुए हम जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बाय ओरियो। तो हमें रास्ते में जितने भी काम थे वो सब हमने ख़त्म कर लिया। अब हम पहुंच गए विष्णु मंदिर के सामने। अब रोड क्रॉस कर रहे हैं और चलते हैं विष्णु मंदिर के अंदर और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छे से ब्लॉग बनाने वाली हूँ। कभी मैं आऊँगी एकदम डिटेल में इसकी सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अभी तो सिर्फ हम पूजा करने के लिए आए हैं क्योंकि थर्सडे को यहाँ पर बहुत अच्छी से पूजा की जाती है क्योंकि विष्णु भगवान का ये एक लौता मंदिर है हमारे एरिया में। थर्सडे के दिन वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लेकिन हम लोग बहुत जल्दी चले आए थे। हम लोग 5 बजे पहुँच गए थे मंदिर, 5:30 बजे। तो इस समय नहीं आते हैं लोग, शाम जैसे होती है 6 बजता है 7 बजता है या आरती का जो समय होता है उस समय यहाँ बहुत लोग आते हैं।
तो मम्मी विष्णु भगवान जी के पास दिया जलाने के बाद अब सभी जो भगवान वहाँ पे हैं सबको दिया जला दिखा रही है और मैं उनके पीछे पीछे घूम रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हैं शंकर जी, पार्वती जी, और इसी मंदिर के एक कोने में गणेश जी भी हैं और हनुमान जी भी हैं। तो इन सब की पूजा करने के बाद हम नेक्स्ट दूसरे जगह पे जाएंगे। और वैसे तो आज बहुत अच्छे से मंदिर पे नहीं घूम रहे हम लोग, क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम है। किसी दिन अच्छे से टाइम लेके आएंगे, इसके ऊपर अच्छे से ब्लॉग बना के आप लोग को दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि जल्दी से अगर मैं वो ब्लॉग बनाऊँ तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उतना जल्दी ये ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो विष्णु मंदिर की पूजा हमारी ख़त्म हो गई है और अब हम जो मम्मी दिया जलाई थी वो विष्णु भगवान के पास ले जाकर रख देंगी और उसके बाद प्रणाम करेंगे हम। यहाँ अक्सर थर्सडे को तो मम्मी और दीदी आती हैं और घर के बहुत पास भी है, तो इसलिए आना पॉसिबल हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं। ठेले पे बड़ी हरी हरी सब्जियाँ दिख रही थी तो हमने सोचा सब्जियाँ भी ले लेते हैं, रात को तो बनानी ही है। और सब्जियाँ लेने के बाद अब हम घर जाएँगे। इसमें शाम के टाइम एक टाइम ही भोजन करते हैं तो ये उसी की तैयारी हो रही है और इसमें पीला भोजन ही सिर्फ कर सकते हैं आप। तो इसलिए यहाँ आटे में हल्दी डाल के पूड़ी बनती है और इसको दही के साथ ही खाती है और अपना व्रत खोलती है। मार्केट से आने के बाद, मंदिर से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उसके बाद, और मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, चाय पी हूँ, और तब तक दीदी अपना प्रसाद बना रही थी जो मुझे भी मिला है खाने को। आपने देखा ही कि वो आज पूड़ी और दही खाती है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग और यह इस व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आपको व्लॉग कैसा लगा, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और जो जो सिर्फ मेरा वीडियो देखता है और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा ये वीडियो इन्जॉय करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।